आज बाद नमाज जुमा जो पुरअमन तरीके से एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया है हमारे उन भाइयों के लिए है जो इस मुल्क में जुल्म सितम के शिकार हो रहे हैं और ख़ास तौर पर त्रिपुरा में आए दिन जो मजालिम ढाए गए हैं हमारी 15 से ज़ायद मस्जिदों को मुनादिम कर दिया गया है वहाँ के मुसलमान बच्चों को मारा गया है और साथ ही साथ मुसलमान बच्चों को बूढ़ों को औरतों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। हम उन मुसलमान भाइयों के लिए इस वक्त एहतजाज पुरअमन तरीके से कर रहे हैं और यहाँ के वाड़ी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से पुरअमन तरीके से वहाँ की मजम्मत बयान करते हैं। हाय हाय उन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त मजालिम ढा रहे हैं। मैं एक शेर कहता हूँ अपनी बात के सिलसिले में, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को कोई जाकर खबर दे अंजाम सितम क्या होता है, जब जुल्म गुजरता है हद से ज्यादा कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का सर जब उड़ता है मूसा को ही पैदा होता है। मेरे भाइयों जालिम का मुकाबला मजलूम की हिमायत और मदद करना इंसानियत है। जो हैवान का किरदार अदा कर रहे हो उसे इंसानियत का दर्द कहाँ महसूस होता है। आज हुकूमत इन नाअहल लोगों के पास है जो जुल्म बर्बरियत कत्ल गारतगी लूट मार कर रही हो और साथ ही साथ अपने हो के पराए बेटी की इज्जत नहीं है। आज यहाँ बेरोजगारी आम होती जा रही है, किसान मर रहा है, जवान तड़प रहा है, जवान बेरोजगार है, हमारी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है। हुकूमत चलाने का हुनर नहीं है, हुकूमत चलाने का हुनर नहीं है। तालीम से आ रही लोग हुकूमत कर रहे हो तो ये दिन देखने को मिलते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, जालिम की खैर नहीं होगी। जब मुसलमान इत्तेहाद में आ जाएंगे तो मंजिल के सिवा कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। मुसलमानों अपने हक के लिए आवाज उठाओ, तुम्हारी आवाज में दम है, तुम्हारी आवाज बिजली की गड़क जैसी है, तुम्हारी आवाज शेर की ललकार जैसी है, तुम्हारी आवाज शेर की धार जैसी है। आप गौर करें तो आपको पता चलेगा दुनिया में शर ने फसाद ने फितने ने जब भी सर उबारा तो हक वालों ने उसका दंदाने शिकन जवाब दिया है। अंबिया किराम अली सलातुल्लाम की ज़िंदगी को देखो, उनके मुखालिफिन ने उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, उन्हें परेशान किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन जवाब अता फरमाया है। तो आज हम इस मुकाम पर जमा होने का मकसद ये है कि हम अपने हकूक़ को पाएँ। जिस तरह आज हुकूमत जो नाहल हुकूमत है उसने मुसलमानों पर जो जुल्म जबर कर रही है, जो परेशान कर रही है, उसका मुकाबला सारे मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक़ से ही उनको जवाब दे सकते हैं। और मुसलमानों को चाहिए कि इत्तेहाद और इत्तेफाक़ अपनी सफ़ों में रखें। आपको मिसाल के तौर पर समझाऊँगा कि देखते होंगे कि आप भी खेले होंगे बचपन में, मुहद्दिब आईना होता है, बच्चे उसे लेकर खेलते हैं, कागज़ को नीचे रखते हैं और आईने को आड़ बनाते हैं और सूरज की किरणें जब उस आईने पर पड़ के उस कागज़ पर पड़ती है तो थोड़ी ही देर में उस कागज़ को जलाकर राख कर देती है। आज मुसलमान बिखरे हुए हैं, अगर कलमे की बुनियाद पर एक जगह जमा हो जाएंगे तो जिस तरह किरणें
एक प्लेटफार्म पर जमा होकर थोड़ी ही देर में उस कागज़ को जला रही है। इसी तरह अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, तो सारी दुनिया पर हम गलबा पा सकते हैं। मोहतरम हाजरीन इकराम, वही सूरज की किरणें लाखों हैं, वही कागज़ बिखरे हुए हैं, लेकिन उन कागज़ को जलाने की कुव्वत उन शुआओं में नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान एक प्लेटफार्म पर कलमे की बुनियाद पर, जिस तरह सूरज की किरणें एक प्लेटफार्म पर जो आईना होता है उस पर जमा होती है और थोड़ी ही देर में उस कागज़ को जला देती है, आज लाखों कागज़ दुनिया में फैले हुए हैं, वही किरणें हैं लेकिन उसको नहीं जला रही है। जब वही किरणें एक जगह जमा होती है तो उन कागज़ों को थोड़ी देर में जला देती हैं। इसी तरह आप रेगिस्तान में जाइए, रेगिस्तान में हवा रेत को थोड़ी देर में इधर से उधर पहुंचा देती है, लेकिन वही रेत जब उस पर पानी के फव्वारे गिरते हैं, पानी के छींटे गिरते हैं, तो एक जगह जमा होती है, ठोस हो जाती है, तौदा बन जाती है, तो लाखों करोड़ों हवाओं क्या तूफान भी उसे नहीं हरा सकता। आज मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह ठोस बने, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें, तभी हम कामयाब होंगे।